गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रहे हैं, तो दौरे को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया है। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जुगलबंदी पर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेसी नेताओं की हालत पतली होने की भी बात कही। कांग्रेस पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे को फ्लॉप करार दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लंबड़ू में उप तहसील का दर्जा कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन चुनावों के चलते इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। इसमें भाजपा सरकार का कोई योगदान नहीं है। दूसरी ओर जो उद्घाटन किए गए वो भी कांग्रेस कार्यकाल में शुरू किए गए थे। हमीरपुर शहर की समस्याओं, बस स्टैंड के निर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री मौन रहे, इससे हमीरपुर की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की अनदेखी पर भाजपा नेता एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री को उल्हाना देते नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने राजनीतिक द्वेष के चलते हमीरपुर को कोई सौगात नहीं दी। एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की जुगलबंदी से कांग्रेसी नेता घबराहट में हैं। दोनों नेताओं की परस्पर सहयोग तथा केंद्र और प्रदेश सरकार के तालमेल से कांग्रेस की हालत पतली होगी है। हाल ही में दोनों नेताओं के हमीरपुर दौरे के दौरान जिला में करोड़ों रूपए के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन दोनों नेताओं ने कांग्रेस जो इस विश्वविद्यालय को स्थानांतरित करना चाहती थी उनको जोर का झटका दिया है। शर्मा ने कहा कि अब केंद्र और प्रदेश सरकार का डबल इंजन काम कर रहा है और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी गति से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही हमीरपुर जिला के विकास में अड़ंगा डालने का काम किया है। सुजानपुर पटलांदर पंचायत में आत्मा परियोजना के अंतर्गत सुवास पालिकर प्रकृति खेती का कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर ने संबोधन के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती किस तरह से फायदे हो सकते हैं उसके बारे में समझाया। अध्यक्ष ने सभी किसान भाइयों और बहनों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उनसे मिलने के लिए कहा था कि वे उनकी समस्याओं का निदान कर सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कीमों पर सब्सिडी से भी अवगत करवाया जा रहा है। सोलन के विधायक और पूर्व मंत्री धनीराम शौंडिल ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणियां कर उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा द्वारा प्रदेश में आयोजित की गई इन्वेस्टर मीट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के आयोजन कर केवल प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सोलन के विधायक और पूर्व मंत्री धनीराम शौंडिल ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक और उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टर मीट करवाकर उन्हें यहां आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो वही दूसरी ओर जो उद्योग यहां लगाए गए हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ऐसी स्थिति में क्या नए उद्योग हिमाचल आएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और अगर आ भी गए तो क्या ऐसी स्थिति में उद्योग कितनी देर चला पाएंगे, ये भी एक सोच का विषय है।
उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में उद्योगों को वास्तविकता में लाना है तो पहले प्रदेश में उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, तभी हिमाचल में उद्योग फल फूल पाएंगे।